मैं मीडियम के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि पूरे रियासत जम्मू कश्मीर में फरवरी की सैलरी जो है 2018 की, वो सभी को सभी डिस्ट्रिक्ट्स में मिल गई है एक्सेप्ट सांबा। सभी के पास हम गए और अपनी जो सैलरी के विषय में बात रखी, लेकिन सैलरी को डिसबर्स कर दिया गया, लेकिन सांबा में सैलरी जो फरवरी की नहीं आज तक मिली। सीओ सांबा से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा पैसा मेरे पास पड़ा हुआ है, कुछ कारणों की वजह से मैं पैसा रिलीज नहीं कर पाया, अभी मैंने एसपीटी साहब से परमिशन लेके वो मैं सैलरी आपको। डिपकॉम के पास हम एक बार नहीं 10 बार गए, लेकिन उन्होंने बात रखी अपनी। उसके बाद हम बीबी व्यास सर के पास गए, उनसे भी हमारी बात हुई, उन्होंने कहा आपकी जो समस्या है ये एक दो दिन में हल हो जाएगी। हम आपके माध्यम से, अभी हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था, आपके माध्यम से ये बात कहना चाहते हैं कि अगर सभी डिस्ट्रिक्ट के अंदर पैसा भी पड़ा हुआ है, पैसे की कमी नहीं है, सीओ साहब कहता है मेरे पास पैसा पड़ा हुआ है सैलरी के लिए और एक परमिशन के लिए जो एसपीडी साहब ने परमिशन देनी है वो मुझे नहीं मिल रही है, तो मैं ये आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि गवर्नर साहब जब पैसा भी है सब कुछ है, ये पैसा रिलीज नहीं हुआ, टीचर हरास हो रहे हैं, टीचरों को क्यों नहीं दिया गया, ये मैं अपील करना चाहता हूँ। मेरा नाम सुरेश कुमार, जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट। हाँ, ये जो पहला मुद्दे तो हमारे बहुत हैं, लेकिन जो मेन मुद्दा हमारा आज यहाँ का प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये है कि हमारी जो सैलरी है फरवरी 2018 की, जबकि गवर्नमेंट ने एक प्रेस रिलीज दे के ये कहा था कि फरवरी और जून की सैलरी आप रियासत सरकार ने हमें दे दी थी, सभी डिस्ट्रिक्ट्स में ये मिल गई है, लेकिन एक्सेप्ट सांबा जोन जो है वहाँ पैसा होने के बावजूद भी हमें आए तक वो सैलरी से महरूम रखा गया है। जब हम सीओ साहब से पूछते हैं सीओ साहब हमारी सैलरी का क्या हुआ, तो वो कहते हैं हमारे पास पैसे पड़े हैं, हमें परमिशन की ज़रूरत है, परमिशन जब तक नहीं मिलेगी तब तक हम आपकी सैलरी रिलीज नहीं करेंगे। अब आप लोग चाहते हैं, हम ये चाहते हैं इस सिलसिले में ही कहता हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ कि हम डिपकॉम साहब से मिले और ऑनरेबल एडवाइज़र हमारे श्री विवास से मिले, लेकिन आज तक ये हमें आश्वासन दिया गया है और सैलरी किन वजहों से पैसा होने के बावजूद भी सैलरी क्यों नहीं रिलीज़ की गई, हम ये वजह भी जानना चाहते हैं, और जिन लोगों जो दोषी लोग हैं, जिन लोगों ने टीचर्स को हरास किया है उनके ऊपर कार्रवाई भी चाहते हैं।